नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं यूट्यूब का टेक्नोलॉजी चैनल टेक केयर हिमांशु। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर वाईफाई कॉलिंग क्या होती है, वीओ वाईफाई क्या होता है, वॉइस ओवर वाईफाई क्या होता है और बहुत सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में हम देने वाले हैं। एक्चुअली इसको बहुत सारी अफवाहें फैली हुई है यूट्यूब पे कि जादू हो गया, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, वाईफाई कॉल करो, फ्री में कॉल करो। तो ये सभी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। और भी अगर कुछ सवाल रह जाए मुझसे तो नीचे कमेंट में आप जरूर से जरूर पूछिए और एक और नया वीडियो बनाएंगे जिसमें सभी वाईफाई से रिलेटेड सभी सवालों का जवाब देंगे। फिलहाल तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जो भी सवाल हैं वाईफाई कॉलिंग से रिलेटेड, वीओ वाईफाई से रिलेटेड, जो भी अंधविश्वास है वो इस पूरे वीडियो में मैं ऐड कर सकूँ। तो दोस्तों इसी तरह के साइंस टेक्नोलॉजी की बातें, वीडियोज, अनबॉक्सिंग इस चैनल के ऊपर हम लेके आते रहते हैं। अगर आपको साइंस और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। तो दोस्तों वाईफाई कॉलिंग, सबसे पहले बात वाईफाई कॉलिंग होता क्या है। तो वाईफाई कॉलिंग को वीओ वाईफाई भी बोला जा रहा है। अभी वीओ क्यों, वॉइस ओवर वाईफाई। अभी वाईफाई क्या होता है, वाईफाई टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ पे मैं आई बटन में दे रहा हूँ, इसको आप देख लीजिए तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि आखिर वाईफाई क्या होता है। वाईफाई का मतलब फ्री इंटरनेट होता है या नहीं होता है? जी नहीं, वाईफाई का मतलब फ्री इंटरनेट नहीं होता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है। मैं कुछ 5-6 साल पहले अंकित फादिया जी के साथ मैं मिला था। अंकित फादिया, अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ, ये अंकित फादिया वर्ल्ड के सबसे यंगेस्ट, सबसे छोटा हैकर रह चुके हैं। इनका रिकॉर्ड बन चुका है, इन्होंने 14 किताबें लिखी हुई है हैकिंग के ऊपर। ओके, तो मैं इनसे मिला था। अभी तो ये बड़े हो गए हैं, जवान हो गए हैं, तो अभी वो बच्चे वाला हैकर नहीं रहे। तो इनसे मैं मिला था तो हमारी बात हुई थी, तब इन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोला था, मेरे दिमाग में एकदम बैठ गया वो, कि दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती। इस इंटरनेट पे कोई भी चीज़, आपको दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलने वाली है, कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप से तो आपको पे करना ही पड़ता है। तो इसी तरह से है, वाईफाई का मतलब फ्री इंटरनेट बिल्कुल नहीं होता, ये आप दिमाग में बैठा लो। ठीक है, अब बात करते हैं कि वाईफाई कॉलिंग क्या होती है। अभी देखिए सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ, मैं अपने साधारण भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वाईफाई कॉलिंग वो फ़ोन कॉल जो वाईफाई को यूज करके किया जाए। वाईफाई मतलब क्या, इस मोबाइल में वाईफाई है और इस मोबाइल में वाईफाई है, ठीक है, दोनों को आपस में जोड़ दो, हो गया वाईफाई कॉलिंग हो जाएगी? जी नहीं। ठीक है, वाईफाई कॉलिंग के लिए आपको उस वाईफाई में इंटरनेट होना चाहिए। वो वाईफाई जो आप ले रहे हो ना, जिसके वाईफाई से आप जुड़े हुए हो, जिस वाईफाई को आप कनेक्ट हो, उस वाईफाई का जो बैकबोन है उसके पीछे पूरे का पूरा इंटरनेट का लाइन जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका कॉल जो है उस वाईफाई के थ्रू होते हुए इंटरनेट में जाएगा। ठीक है, इंटरनेट में जाएगा, वहां से दूसरा जो कॉलर है जिसको आप बात करो, उसके सिम कार्ड के थ्रू होते हुए, टावर के थ्रू होते हुए सिम कार्ड के ऊपर कॉल आएगा। इसमें ये जरूरी नहीं है कि वो भी वाईफाई कॉल करे और ये भी वाईफाई कॉल करे, दोनों के दोनों वाईफाई कॉल करने जरूरी नहीं है। आपने वाईफाई कॉल किया हुआ है, ठीक है, और वो आपके इंटरनेट से होते हुए टावर में जाएगा, टावर से फिर जो दूसरे जो पार्टी है, सामने वाला आदमी, उसके सिम कार्ड के थ्रू कॉल होगा, वो वाईफाई से कॉल नहीं कर रहा होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, या फिर दोनों भी वाईफाई कॉलिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दोनों ही वाईफाई कॉलिंग करें, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, वाईफाई कॉलिंग मतलब ये मत समझ लो कि बिना सिम कार्ड के होगा, आपके मोबाइल सिम कार्ड में बैलेंस नहीं होगा, आपके मोबाइल सिम कार्ड में टॉक टाइम नहीं होगा अवेलेबल और आप वाईफाई कॉलिंग कर लोगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल ये है कि क्या वाईफाई कॉलिंग फ्री है? जी नहीं, वाईफाई कॉलिंग फ्री नहीं है। ठीक है, आप ये चीज़ भर लो दिमाग में। आपके पास बाकायदा सिम कार्ड होना चाहिए, एक्टिव सिम कार्ड होना चाहिए, चालू सिम कार्ड होना चाहिए, उस सिम कार्ड में आपका टॉक टाइम का प्लान होना चाहिए, टॉक टाइम मतलब बात करने वाला कुछ पैसा उसमें होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपका, आपको रेंज नहीं मिल रहा है, आपको टावर नहीं मिल रहा है, एंटीना नहीं दिखा रहा है, आपको रेंज नहीं दिखा रहा है आपके सिम कार्ड में, आपके मोबाइल फ़ोन में रेंज वहाँ पर वीक है अगर किसी जगह में,
तो उस वीक कंडीशन में आप अपने वाईफाई को, आपके पास अगर वाईफाई अवेलेबल है किसी होटल में, किसी रूम में या आपके ही घर में, समझिए कि आपके एक रूम में बिल्कुल भी टावर नहीं दिखता है, एंटीना नहीं दिखता है, ठीक है, रेंज नहीं दिखता है आपके सिम कार्ड को, लेकिन वाईफाई है आपके घर में, तो आप उसको, आपके फ़ोन को, आपके कॉल को वाईफाई के थ्रू डाइवर्ट कर सकते हो, एसएमएस भी भेज सकते हो। होता क्या है, आपकी आवाज़ उस सिम कार्ड के थ्रू वाईफाई में ट्रांसफर हो जाती है, वॉइस ओवर वाईफाई। वॉइस ओवर मतलब आपकी आवाज़ वाईफाई के ऊपर, ठीक है, वाईफाई में आपकी आवाज़ जा रही है, वॉइस के पैकेट जा रहे हैं, वो एक अलग प्रोटोकॉल होता है, वो इनक्रिप्टेड वे में भेजा जाता है, सर्वर वगैरह लगे होते हैं, उनको जैसे ही पता चल जाता है कि वॉइस आ रहा है वाईफाई में, इंटरनेट में, तो उसको इनक्रिप्ट करते हैं। अगर एक्चुअली इसमें हैकिंग के भी चांसेस है, मिडिल मैन अटैक वगैरह भी हो सकता है, बट अभी ये धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, तो इसमें अटैक के चांसेस फिलहाल नहीं है आपकी आवाज़। फिर भी मैं कहता हूँ कि कोई ना कोई इंटरप्ट कर सकता है, लेकिन मेरी और आपकी कोई नहीं करेगा, इसके लिए बहुत बिग शॉट, बहुत बड़ा होना है ताकि आपके पीछे लोग पड़े रहे, आपकी आवाज़ सुनना चाहे, आप किससे क्या बात करते हो, ठीक है। तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है, बस इतना समझ लो कि आपके सिम कार्ड में जब रेंज नहीं होगा, एंटीना नहीं होगा, उस वक्त आपके पास अगर वाईफाई अवेलेबल है, आपके पास वाईफाई इंटरनेट अवेलेबल है, तो आपका आवाज़ उस वाईफाई इंटरनेट के थ्रू होकर के सामने वाली पार्टी के पास चला जाएगा उसके फ़ोन में, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गई। तो आप ये मत समझिए कि आपके फ़ोन में बैलेंस नहीं होगा, आपके फ़ोन में सिम कार्ड नहीं होगा और आप वाईफाई कॉलिंग करोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ तक कि आपका सिम एक्टिव दिखाना चाहिए, आपका सिम कार्ड में अगर बिल्कुल भी रेंज नहीं है, बिल्कुल टावर नहीं है, पूरा क्रॉस आ गया है, तो आपका वाईफाई काम नहीं करेगा, वाईफाई कॉलिंग काम नहीं करेगा, क्योंकि टावर को ये पता चलेगा, आपके फ़ोन को ये पता चलेगा कि आपके फ़ोन में तो सिम कार्ड ही नहीं है, पूरा का पूरा क्रॉस हो जाने का मतलब क्या, समझ रहे हो, एरोप्लेन मोड में क्या होता है, जैसे एरोप्लेन मोड में डालते हो तो पूरा का पूरा क्रॉस हो जाता है। क्रॉस होने का मतलब क्या, कि आपके मोबाइल में सिम कार्ड ही नहीं है, आपको एंटीना ही नहीं है, टावर ही नहीं है, आपका सिम एक्टिव ही नहीं है, इसका मतलब ये होता है, तो वाईफाई कॉलिंग पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट आपका सिम कार्ड में नाम लिख के आना चाहिए, जियो या वोडा, इस तरह से एक एंटीना हो, एक काड़ी हो उसमें, एक बार हो तो भी चलेगा, लेकिन आपका सिम एक्टिव होना चाहिए, जिंदा दिखाना चाहिए आपके टावर को, आपके मोबाइल फ़ोन को, तभी होगा, ठीक है। तो अब चलते तीसरे सवाल की तरफ, क्या इसके लिए सिम कार्ड जरूरी है, डिफरेंट हैंडसेट जरूरी है? जी हाँ, ये सभी हैंडसेट में अवेलेबल नहीं है, आपका हैंडसेट वाईफाई कॉलिंग को सपोर्ट करना चाहिए। फिलहाल की तारीख में जो भी नए हैंडसेट आ रहे हैं उनमें वाईफाई कॉलिंग की सुविधा है, ठीक है, तो वाईफाई कॉलिंग, अब वाईफाई से ही कॉल करना है, इंटरनेट से ही कॉल करना है, तो ये व्हाट्सएप कॉलिंग क्या डिफरेंट है? जी हाँ, बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, व्हाट्सएप कॉलिंग, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग भी आपके इंटरनेट या वाईफाई से ही होकर जाता है, समझ रहे हो, आपके पास वाईफाई है, आपके सिम कार्ड में अगर इंटरनेट नहीं है, आप व्हाट्सएप वाईफाई से भी यूज कर सकते हो, तो सेम चीज़ ही है, लेकिन ये वाईफाई कॉलिंग डिफरेंट ऐसे है व्हाट्सएप से कि व्हाट्सएप सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट से होता है, बट ये सिम कार्ड टावर बेस्ड होता है, ठीक है। तो ये जैसे ही आप समझो बात कर रहे हो इसको सिम कार्ड यूज करके, नॉर्मल अपने जैसे फ़ोन पे बात करते हो, टावर को कनेक्ट करके बात करो विदाउट इंटरनेट, लेकिन आप वाईफाई कॉलिंग एक्टिव है, तो बात करते करते सपोज आपका रेंज चला गया इस रूम से उस रूम में जाते वक्त, लेकिन आपका, आपके फ़ोन में वाईफाई कॉलिंग एक्टिव है, आपका फ़ोन वाईफाई से जुड़ा हुआ है, तो फटाक से स्विच ओवर कर लेगा, वाईफाई कॉलिंग में घुस जाएगा और आपका आवाज़ नहीं ब्रेक होगा, आपको कॉल भी डिस्कनेक्ट नहीं होगा और वो आपकी बात वाईफाई में से होने लगेगी, वाईफाई कॉलिंग से होने लगेगी, और फिर जैसे ही आपके सिम में बहुत अच्छा तगड़ा रेंज आ जाएगा, वो वहां से स्विच ओवर करके सिम कार्ड में आ जाएगा। तो ये है इसका मेन फंक्शन, समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि आप सिम कार्ड निकाल के फेंक दो और सब कुछ कर दो, आप वाईफाई से मस्त कॉल करते बैठो, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, क्या आप किसी भी वाईफाई में घुस सकते हो, किसी भी वाईफाई में कनेक्ट हो जाओगे और उससे कॉलिंग करने लगोगे? जी नहीं, इसके लिए बहुत सारे रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट तो है कि आप जिसका सिम कार्ड यूज कर रहे हो उसमें आपका बैलेंस टॉक टाइम होना चाहिए। दूसरा रिक्वायरमेंट है कि आप जिसका सिम कार्ड यूज कर रहे हो वो सिम ऑपरेटर के पास वाईफाई कॉलिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहले एयरटेल ने चालू किया, उसके बाद जियो ने चालू किया, तो इन सिम कार्ड वालों के पास वाईफाई कॉलिंग का फैसिलिटी है, इन सिम में भी एक्टिव होता है वो चीज, पर्टिकुलर उस ऑपरेटर के पास वो फैसिलिटी होनी चाहिए। तीसरी बात कि आपके हैंडसेट में भी वो वाईफाई कॉलिंग का फैसिलिटी होना चाहिए, VO वाईफाई, वॉइस ओवर वाईफाई होना चाहिए, तभी होगा। ये एक तरीका है कि आपका कॉल जो सिम कार्ड
कार्ड के थ्रू हो रहा था, वो सिम कार्ड से होते होते अगर बीच में ब्रेक हो जाए, रेंज चला जाए और आपके घर में आसपास कहीं होटल में रेस्टोरेंट में आपके पास अगर वाईफाई है, आप उससे जुड़े हुए हो, तो आपका कॉल उस वाईफाई के थ्रू डाइवर्ट हो जाएगा। और जैसे ही आप वाईफाई के रेंज से हट जाओगे और आपका सिम कार्ड का सिग्नल स्ट्रांग हो जाएगा तो आप उसमें कनेक्ट हो जाओगे। ये एक सिमलेस एक्सपीरियंस देने के लिए, ताकि बात अच्छी तरह हो, कॉल कट ना हो कस्टमर को, यानी कि इससे भी आवाज़ जाएगी और अगर इसमें नहीं मिला, इसमें कुछ प्रॉब्लम होने लगा तो इससे आवाज़ आएगी, यानी आवाज़ जाते रहेगी, स्विच होता रहेगा वाईफाई से नॉर्मल नेटवर्क, नॉर्मल नेटवर्क के वाईफाई, इस तरह से। तो इसको कहते हैं वाईफाई कॉलिंग, वॉइस ओवर वाईफाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया मिला होगा, थोड़ा बहुत तो नॉलेज मिला होगा। वैसे वीडियो तो बहुत लंबी हो गई है, अगर फिर भी कोई सवाल रह गया हो, फिर भी कोई डाउट रह गया हो, तो नीचे मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए। और ये भी कमेंट कीजिए कि आपको किस तरह के वीडियोस देखने, अगर आपका कुछ सब्जेक्ट है, कुछ प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो भी नीचे कमेंट में पूछिए, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। और मुझे ये भी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, इसी तरह के साइंस टेक्नोलॉजी की बातें, वीडियोज, अनबॉक्सिंग हम इस चैनल पर लेके आते रहते हैं। तो मिलते हैं नए साइंस टेक्नोलॉजी के वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।